आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहा है आजकल। आजकल कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही मतलब करवा सकते हैं। इतने एआई टूल्स जो है ना कंप्यूटर की दुनिया में यानी इंक्रीज हो चुके हैं कि आप जान नहीं सकते कि हर कुछ वीडियो एडिटिंग से लेके वीडियो बनाने तक, वीडियो को कोई भी सॉन्ग बनाने तक, कोई भी म्यूज़िक क्रिएट करने तक, कोई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज क्रिएट करने तक का हर कोई काम जो है ना वो एआई कर रहा है। और एआई की इस डेवलपिंग में काफ़ी सारे जो है ना इंक्रीमेंट्स आए, एडवांटेजेस आए, काफ़ी सारी जो है ना काम करने में काफ़ी आसानी हुई है। बहुत सारे इससे टेक्नोलॉजीज जो है ना आगे इंक्रीज हो रही हैं और बहुत ही जल्द जो है ना आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी तो मिल रही है ख़ासतौर, लेकिन आपका माइंड जो है वो थोड़ा जो है ना बेक जाने वाला है, यानी आप अपने माइंड को अब यूज़ जो है ना काफ़ी कम करने वाले हो, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में हर काम जो है ना आपको एआई करके दे रहा है। और एआई की अगर मदद लेते हैं आप तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एआई की मदद आप नहीं लेते तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, यानी आप अपने माइंड को यूज़ करना सीख लोगे अगर एआई को यूज़ थोड़ा कम करते हो तो। अदरवाइज़ एआई को आप यूज़ करते हो तो फुल डिपेंड हो जाते हो उस पर, और जो भी काम हो वो आप उससे करवाना चाहोगे, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो या फिर कोई वीडियो बनाना हो या फिर कोई मैथ प्रॉब्लम या फिर किसी भी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, तो वो आप एआई से करवाना चाहेंगे। एआई को यूज़ करके आप एक अच्छे तरीके से नॉलेज हासिल करें मेरे ख्याल से, और एक अच्छा टीचर आप एआई को बना सकते हैं, क्योंकि एआई जो है ना आप आजकल हर दुनिया की नॉलेज को आपको जो है ना इजाफा देता है, और एआई को आप यूज़ करें एक बेहतर नमूने से आप अपनी जो है ना काम करवा सकते हैं, और उसकी मदद से जो है ना आप अपने नॉलेज में इजाफा करें, और जिसकी मदद से आप अपने जो भी जो है ना एडिटिंग है, जो भी कोई काम है, तो उसके ज़रिए आप उसको एक अच्छा टीचर बना लें। टीचर बनने के बाद आप कोई भी उससे काम करवा सकते हैं, जैसे कार्टून बनाना या अवतार बनाना, यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना, उसके लिए स्क्रिप्ट, कोई सिंगिंग सॉन्ग बनाना, तो यह सब कुछ आपको जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके दे रहा है। और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के घेरे में आ रही है, और जिसकी मदद से जो है ना ये काफ़ी एडवांस भी होगी और जो है ना ह्यूमंस को थोड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है।